राम राम भाई सारे दोस्तों ने। तो दोस्तों आज फिर कई दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। तो इस वीडियो का जो मेन मकसद है दोस्तों, उसका जो बात करने का वो है हैंड ग्रिप के बारे में बात करने का। तो दोस्तों आज एक ऐसा सीक्रेट है हम शेयर करेंगे आपके साथ हैंड ग्रिप के बारे में। अगर आप उसको अपने हैंड ग्रिप में इस्तेमाल करेंगे तो उससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। किस प्रकार से है वो सीक्रेट है और किस प्रकार से उसको अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो दोस्तों नॉर्मल जो हैंड ग्रिप होती है वो ये है कि भाई उंगलियां डाल करें, जो कच्ची की बात चल रही है यहाँ पे दोस्तों, तो इसमें ये मोस्टली ये होती है कि भाई इस प्रकार से पूरी कोई चारों उंगली डाल के पूरा गधा बना लेता है इस प्रकार से, या फिर किसी आदमी की कोई सिंपल ऐसे बना लेता है जिसको उंगलियों में दर्द होता है तो इस प्रकार से बना लेता है, या फिर एक उंगली डालकर इस प्रकार से बना लेते हैं। तो ये तो बात होगी दोस्तों सिंपल हैंड ग्रिप की बात होगी, इसमें सब इस प्रकार से बनाते हैं, सब ऐसे खेलते हैं, परंतु इसमें हम कलाकारी या रचनात्मकता का इस प्रकार से ला सकते हैं, वो मेन मुद्दा है, उसको हम किस प्रकार से यूज़ करें अपनी इसमें हैंड ग्रिप में। तो दोस्तों उसके लिए जैसे हम दो उंगलियाँ डाल लेते हैं जिसको टाइट ये कर लिया हमने, परंतु अगर हमें कलाकारी दिखानी है ना तो इसको हाथ को ऐसे ना रख के थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से बॉल आई इस हिस्से पर लगेगी तो ऑटोमेटिक कलाकारी होगी, बॉल कटी बढ़िया तरीके से कट जाएगी। अभी इस प्रकार से जैसे हाथ करेंगे हम तो इस तरफ से जो जगह रह जाती है इस प्रकार से बढ़िया कलाकारी होगी। बोल इसका मकसद ये है इस कलाकारी का कि जैसे हम हमारे हमने हाथ को ऐसे कर रखा सीधा तो बोल हमारे पास आई, अगला खिलाड़ी सोच रहा कि भाई हमने इस प्रकार से हाथ कर रखा है तो सीधी बोल इस प्रकार से उसके पास आएगी, परंतु इसमें अगर हम थोड़ा सा हाथों का आगे पीछे करने की अगर हमें कला आ गई ना तो यही बोल इस तरीके से पशु जो देख रहा ना वो खिलाड़ी हमारे को, उसको ये भी अंदाज़ा नहीं होगा बॉल लगने के बाद ऑटोमेटिक किस तरफ से कट जाएगी बॉल वहाँ पे। तो दोस्तों ये जनरली मैं अपनी जो खेल है उसमें काफ़ी यूज करता हूँ, तो इसीलिए मैं आप सबसे इस चीज़ को शेयर किया है कि अगर जिस भाई को कलाकारी है अगर आपने गेम में विकसित करना चाहता तो इसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि स्पीड है वो हर एक के बस की नहीं होती, सबकी कुदरती नहीं होती। खुद मैं अपने खेल में कहता हूँ भाई मेरे खेल में स्पीड नहीं बन सकती, तो पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि भाई अपने गेम में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इसी तरीके से लाया जा सकता है कलाकारी करके ही। तो ये तरीका बहुत बढ़िया है, हाथों की जो हथेली है ना इसको आप ये सीधी ना रख के कभी इस प्रकार से जिस प्रकार से भी आदत डालोगे ना ग्राउंड में ट्राई करोगे कभी इस प्रकार से सीधी बॉल भी आएगी ना वो उस प्रकार से अगर कटाई हो जाएगी कि तरीके से, जैसे स्पिन बॉल होती है ना उस जैसे स्पिन डालते हैं बॉलर उसमें अलग से थोड़ी सी उसमें ग्रिप की बात होती है, उसी प्रकार से हमारी जो हैंड ग्रिप है ना उसमें इन हथेलियों का बहुत अहम योगदान होता है। अगर हम इसको आगे पीछे किसी तरीके से भी करेंगे तो उसमें चांसेस ये है कि बॉल ऐटोमेटिक वो थोड़ा सा अपनी दिशा बदलेगी, तो उसका बेनिफिट ये होगा जो गेंद खिलाड़ी तक पूरी स्पीड में जा रही थी ना वो वहाँ तक पूरी नहीं पहुँचेगी, रुक के पहुँचेगी वहाँ तक, या फिर वो उसको लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो ये तरीका है अगर आप इसको अपने गेम में लाते हो तो ये पक्की बात है कि आपका गेम ओवर इम्प्रूव होगा। हाँ जिसको स्पीड से मतलब है उसके लिए कलाकारी कोई काम की नहीं है, क्योंकि स्पीड जहाँ पे होगी वहाँ पे कलाकारी काम नहीं देती, वहाँ पे स्पीड ही काम देती है। तो अगर आपको ये वीडियो या मेरी जो सुझाव है अगर बढ़िया लगा हो तो इन्हें शेयर ज़रूर कर दिया रहो भाई, शेयर करने में बहुत हरकत करा है हमारे खिलाड़ी, और जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी नई वीडियो आपके साथ आपको मिलता रहे। करी चलो शेयर करी चलो।